यही है वो जो बाबू को किडनी देने जा रही है। अरे अरे आप अंदर कैसे आ गए? प्लीज प्लीज बाहर जाइए। सिस्टर वो मैं इनका एक बार मिलकर धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन ये किसी से मिलना नहीं चाहती। ये तो इनका बड़प्पन है। इन्होंने मुझ पर नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार पे बहुत बड़ा उपकार किया है। बस एक बार इनसे हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके अलावा कोई बात नहीं करूँगा इनसे। एक्सक्यूज मी, पूजा जी ये आपसे मिलने आए हैं। पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझ पे मेरे पूरे परिवार पे बहुत बड़ा उपकार किया है। आपने मेरे बापू को नहीं बल्कि मुझे भी एक नई जिंदगी दी है। भगवान आपकी जिंदगी लंबी करे, आप स्वस्थ रहें। भाई साहब चाय लीजिए। नहीं भाई जी मुझे नहीं चाहिए। भाई साहब इस तरह टेंशन मत लीजिए। देखिए अब तो भाबू के लिए किडनी का इंतजाम हो गया है ना, भरोसा रखिए ऑपरेशन अच्छे से हो जाएगा और उनकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। आप चिंता मत करिए, चाय लीजिए। भैया की हालत पर बड़ा दुख हो रहा है मुझे। यहाँ बाबू की तकलीफ उन्हें खाई जा रही है और दूसरी तरफ भाभी से बिछड़ने का पछतावा उन्हें घुटन दे रहा है। लेकिन कम से कम आज इस ऑपरेशन के बाद बाबू की परेशानी तो दूर हो जाएगी। हाँ और हमारे घर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अरे प्रॉब्लम, अरे इतनी जल्दी हो जाएगी। तेरे बोल सूरी, मेरा मतलब ये था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम इतने सस्ते में निमट गई। पता अब बस ऑपरेशन का खर्चा है और बस दवाइयों का खर्चा है। किडनी तो फ्री में मिल गई। ये तो उस मरे कृष्णकांत ने तो 10 लाख का खर्चा बता दिया था। ऐसा लग रहा था कि किडनी ना कोई 9 लाख का हार लेने जा रहे हैं। मरा लेकिन ऐसे में उस घर बेचने वाली बात का क्या करेंगे? क्या कर क्या करना है मतलब? घर के पावर ऑफ अटॉर्नी पे भाभू का अंगूठा ले लिया, तो पैसे आने की देरी है। मतलब वो नहीं है, मैं कह रही हूँ कि हमें घर बेचने वाली बात वापस आप भाबू और चेची को कैसे बताएंगे? और वैसे भी कुछ दिनों में भाबू ठीक होकर घर वापस आ जाएगी, तो जब बात उन्हें पता चलेगी तो ये घर बेचने का काम होगा कैसे? कौन सा घर? हम कौन सा घर अभी खाली कर रहे हैं? जब हाथ में 60 लाख रुपए आएंगे, 2 फ्लैट आएंगे तो बाबू पापा साहब को बता देंगे। पहले तो नाना कूर करेंगे फिर मान जाएंगे वो लोग। मोहित भैया एक बात बताओ, ये सब करना इतना आसान भी ना होगा? ये लोग है ना वक्त की सच्चाई नहीं देखते बल्कि भावनाओं में घुसे रहते हैं। ये लोग ना एडी बच्चे का जोर लगा देंगे कि घर ना बिके। लेकिन मैं कह रही हूँ हम चारों को ना
एक रहना पड़ेगा। अंगद की पैर की तरह इस फैसले पे ना अड़े रहेंगे। अगर हम चारों साथ में रहेंगे ना और सबके सामने इतने पीसे और घर दिखाएंगे तो कुछ ना कुछ करके ये लोग को मानना ही पड़ेगा। समझ गए हो ना? हाँ जेठानी जी, मोहित और मैं आप दोनों के साथ हैं। हाँ भाभी, और वक्त आ गया अपने बारे में सोचने का। कब तक बाबू और बाबा साहब से पूछ के हम घर चलाते रहेंगे? हाँ मोहित, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और हम उन्हें कौन सा पे कर रहे हैं? बारी बारी से साथ में रख लेंगे। बिल्कुल सही, पैसे से बड़ा कुछ नहीं आज के दौर में। अब कैसे घर पे एक मुसीबत आती है तो सबको दौड़ना पड़ता है। कभी दुकान गिरवी रखो, गहने बेचो, एक बार घर बिक गया और मोटी रकम हाथ में आ गई तो सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। मुबारक हो, संतोष जी का ऑपरेशन सफल रहा। साहब, हम अपने भाभों को कब तक मिल सकते हैं? बस उन्हें होश आने के बाद मिल लीजिए। बहुत जल्द हम उन्हें दूसरे कमरे में शिफ्ट कर रहे हैं। हमारे पहाड़ी वाले आप में से कोई एक जाके उनसे मिल सकता है। हाँ हाँ, एक क्यों? कमरा छोटा है कि हम सब मिलेंगे ना? देखिए अभी आप सभी उनके पास नहीं जा सकते, इन्फेक्शन का डर है। बाबा साहब, एक काम कीजिए, आप जाइए। नहीं बेटा, तू जा, थारे जाने से उसे अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी। हाँ भाई साहब, आपका जाना ठीक रहेगा, आप जाइए। संध्या बीने का कुछ पता चला? तूने कोई कोशिश की थी? उसको टट जा चुकी है। उनका वहां का नंबर पता किया था मैंने बाबा को। फोन करने की कोशिश भी न की। निभाबों के पल्लों से छूटेगा जब तो फोन करेगा। मैं ठीक हूं चाचा, फोन कर। आपका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है इसलिए आप ज्यादा बात मत कीजिए।
तो शांत रहे, मैं फोन करता हूं। सूरज जी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप मुझे फिर कभी फोन मत कीजिएगा। बहुत अच्छी लग रही है। आहा, अब तो मैं तुम्हें अच्छी लगूंगी ही। 50-50 जो है। वैसे 50-50 से याद आया कि घर के वो कागज दिए हुए अंकुर जी को तो बड़ा टेम हो गया। अभी तो कोई समाचार ही ना आया, ना टेलीफोन आया, क्या बात हुई होगी? हाँ छोटी जेठानी जी, मैं भी यही सोच रही हूँ, पता नहीं क्या हुआ होगा, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। जरा धीरे बोलो और बताओ मैं क्या बता। जरा सुनो, ये मैं सूरज, विक्रम, मोहित और दिलीप जी संतोष ने लाने गए हैं, अब आते ही होंगे। संतोष जब आवेगी, सारी परिवार ने इकट्ठा देखेगी तो खुश हो जाएगी, अच्छा लगेगा उसे। बाबा साहब आराम से, फर्श गीला है। हाँ ठीक है। बाबा साहब भी बोलते हैं। लाक्षी भाभी, इमली भाभी, आप लोग की बातें हो गई तो काम कर लीजिए। भूल गई नोटू ने क्या कहा था? पूरा घर साफ करना है, कहीं भी धूल नहीं होनी चाहिए, सारा कहीं चमकना चाहिए, जैसे दीवारों पे संगमरमर का फर्श लगाओ। अरे छवि बेटा, तू चिंता को नहीं कर, आज से थारी भाभों का ख्याल हम सब रखेंगे। अरे जिंदगी भर उसने हम सब का ख्याल रखा है, अब हमारी बारी है उसका कर्जा उतारने की। क्या कहती हो बिंद्रियो? बिल्कुल सही कहा बाबा साहब। और ननंद भाई साहब, एक बात कहूँ, मैंने और देवरानी जी ने घर ऐसे साफ किया, ऐसे रगड़ा है कि थारे को ना अपने ससुराल से जासूस बुलाने पड़ेंगे धूल मट्टी ढूंढने के लिए। हाँ सिर्फ घर धूल ही काफी नहीं। बाबा साहब, भाभों के खाने का ध्यान रखना होगा, पूरा नमक मिर्ची हल्दी सबका परहेज करना होगा, उनको हल्का खाना देना पड़ेगा, हम समझे आप? हाँ हाँ छवि, तू चिंता मत कर, हम भाभों का बिल्कुल वैसे ही ध्यान रखेंगे जैसे तू ससुराल में अपने सास और ससुर का रखे है, है ना देवरानी जी? अरे बहुत काम करते हैं हमारी छोरी, ये बात कर रहे हैं। बाबा साहब, भाबो आ गई है। भाबो आ गई, चलो 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 चलो। मैं थाली लेकर आती पूजा की। भाबो, और मैं हमारी देवरानी जान दे देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके दोनों बेटे, और फिर आप देखना बाबू साहब कि कैसे आपके बेटे और बहुएं मिलके आपके सपनों से बने घर का क्या हाल करते हैं।
क्या करने आए आप? मुझसे क्या पूछ रहे? तेरा बॉस है, तुझे बताना चाहिए। तुझे मैं बता के आएंगे क्या? आइए अंकुर, आइए। विराज बैठिए। नहीं नहीं बाबू सर, मैं यहां बैठने के लिए नहीं आया। मैं तो सूरज जी को ये देने आया। ये वो कागज तो नहीं है? क्या है ये? कुछ है? सूरज जी, जब पिछली बार मैं अपनी बहन के लिए यहां आया था, तब आपने मुझसे कहा था कि रिश्ते आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, सबसे ज्यादा अहमियत है उनकी आपकी नजरों में। और उन्हीं रिश्तों के लिए आपने मेरी बहन को घर से, अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया। मैं उन्हीं रिश्तों की असली तस्वीर आपको दिखाने आया हूं। ताकि शायद आपको एहसास हो कि मेरी बहन को इस घर से अलग करके आपने क्या खोया है और क्या पाया। मैं चलता हूं। मर गए, मीनू ने मर गए, कहीं इसमें घर के कागज तो नहीं? मैं देख लेती हूँ, की पेपर है। और इसमें लिखा है कि ये घर आपने मोहित भैया और विक्रम भैया के नाम कर दिया है। मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।